हाईकोर्ट के बाहर शरत मौजूद है। शरत ये बताइए 19 विधायक ये कांग्रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इनकी सदस्यता को लेकर क्या होगा? तस्वीर तो अब यही उभर रही है कि ऐसा लग रहा है कि अब फ्लोर टेस्ट पे ही साबित होगा। जी शरद बोलिए बोलिए। मीनाक्षी मीनाक्षी बड़ी खबर आ रही है। जी बोलिए। राज्यपाल को, राज्यपाल से वक्त मांगा था अशोक गहलोत ने और राज्यपाल ने 12:30 का वक्त दिया है। जी किसी भी वक्त अशोक गहलोत राजभवन पहुंच सकते हैं, 12:30 का वक्त दिया है राज्यपाल ने। राजभवन से ये खबर आई हमारे पास कि अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है और राजभवन से 12:30 का वक्त दिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर आई अशोक गहलोत के लिए कि किस तरह से राज्यपाल से वक्त मांग रहे थे और राज्यपाल ने वक्त दे दिया है, 12:30 का वक्त दिया गया है। तो अब माना जा सकता है कि वहां से अशोक गहलोत अकेले निकलते हैं, उसके बाद विधायक को लेकर आते हैं, लेकिन वहां पर विधायकों को ले जाने की भी तैयारी की जा रही है। और अब अशोक गहलोत किसी भी वक्त फेयरमाउंट होटल से निकलकर राजभवन पहुंच सकते हैं क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है, अभी अभी का इन्होंने वक्त मांगा है और तुरंत वहां से निकलने वाले हैं। मीनाक्षी कुल मिला के अब राजस्थान में उसी तरह का पॉलिटिकल ड्रामा सड़कों पर शुरू होने वाला है जो जिस तरह से कोर्ट में आने से पहले चल रहा था, इसी तरह से विधायक और मंत्रियों के रेलम पे लगी रहेगी अब और गिनती की जाएगी कितने किस गुट के हैं। तो अब कहा जा सकता है कि चूंकि संवैधानिक संस्थाओं का टकराव न हो इसलिए विधानसभा सत्र बुलाने से पहले वो राज्यपाल के सामने अपनी गिनती कराना चाहते हैं और ये कहना चाहेंगे कि शायद उनको बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास बहुमत है, या फिर ये कहेंगे कि संवैधानिक संस्थाओं का टकराव न हो और राज्यपाल खुद ही विधानसभा का सत्र बुला के हमें बहुमत साबित करने का मौका दे। लेकिन कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि राजभवन ने वक्त दे दिया है उनको टाइम मिलने का। जी मीनाक्षी बिल्कुल शरद यहाँ पर बड़ी जानकारी हमें दे रहे हैं, राज्यपाल ने समय दिया है 12:30 बजे का, यानी अब से करीब आधे घंटे बाद ये अहम मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से होने वाली है। अब देखना ये होगा कि उसके बाद क्या होता है, क्या वो विधायकों को लेकर राज्यपाल के सामने परेड कराते हैं, क्योंकि शरद ये जानकारी दे रहे हैं कि जो विधायक हैं अशोक गहलोत के खेमे में जो इस वक्त रिजॉर्ट में बंद है वो भी ये दबाव बना रहे हैं कि आखिर हम कब तक यूं ही होटल में रिजॉर्ट में बैठे रहेंगे। और देखिए यही बात कोर्ट में भी उठी है, मौखिक तौर पर जजेस ने इस पर भी इशारों में बात कही है कि आखिर जो काम आपको पसंद नहीं वो करने पड़ते हैं, लेकिन इस तरह से सरकार का रिजॉर्ट में बैठना ठीक नहीं है। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, जो भी सियासी दावपेच हो, लेकिन सरकार को चुना गया है काम करने के लिए, जनता की सेवा के लिए, और वो भी कोरोना जैसे समय में जबकि राजस्थान में 33,000 से ऊपर मामले हैं कोरोना के, और ऐसे में विधायक चाहे वो पायलट खेमा हो या फिर गहलोत खेमा अगर रिजॉर्ट में आराम कर रहे हैं तो ये कोई आदर्श स्थिति तो नहीं है। शरद ये बताइए जो 19 विधायक हैं कांग्रेस में रहेंगे नहीं रहेंगे, उनकी सदस्यता को लेकर क्या होगा? तस्वीर ऐसी बन रही है कि फ्लोर टेस्ट से कम कुछ नहीं, फ्लोर टेस्ट में ही साबित हो पाएगा कि इनका भविष्य क्या होगा। देखिए ये सचिन पायलट की स्थिति ऐसी हो गई है कि जब तक ये हालत ना हो जाए कि हम सरकार गिरा सके, ये कह नहीं सकते हैं कि हम बागी हैं या बगावत पे उतारू हैं। वो कोर्ट में यही कह रहे थे कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में रहना चाहता हूँ और इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर ही सारी प्लिया दे रहे थे। अब अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि इस उनकी जो चाल है उसको एक्सपोज करें विधानसभा में राज्यपाल के सामने, इसीलिए राज्यपाल से वक्त मांगा है। उनको लग रहा था कि सुप्रीम ये राजस्थान हाई कोर्ट से कुछ भी फैसला आ सकता है, इसलिए कल मिलने गए थे, लेकिन आज जिस तरह से सीधे सीधे सचिन पायलट गुट के 19 विधायकों को राहत मिली है, एक तरह से कहें कि बेचैनी हो गई है गहलोत खेमे में, क्योंकि बहुत दिनों तक होटल में बंद करके पुलिस के साये में, संगीनों के साये में विधायकों को नहीं रखा जा सकता, इसीलिए तय किया है राजभवन जाने का। लेकिन अब जो पायलट गुट के सामने बड़ी चुनौती होगी कि क्या वो जयपुर आते हैं विधानसभा में हिस्सा लेने, अगर हिस्सा लेते हैं तो उनका रोक क्या रहेगा, अगर खिलाफ करते हैं तो सदस्यता जाएगी, क्योंकि उस पर रोक राजस्थान हाईकोर्ट ने नहीं लगाई है। उन्होंने इसके लिए प्रेयर लगाई थी राजस्थान हाईकोर्ट में, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि विधानसभा के अंदर अगर कुछ होता है तो उस पर हम फैसला नहीं दे सकते।